खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बेटे इस वक्त हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, आप कभी मुख्यमंत्री की रेस में हुआ करते थे, आज कहीं ना कहीं हालात ऐसे हैं कि आप सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित रह चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इस आने वाले विधानसभा चुनाव को और अपनी राजनीतिक विरासत जो आप अपने पिता से लेकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि आप संभाल पाए हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री की रेस में पहले भी था और आज भी हूँ, और मैं कोई एक हलके तक सीमित नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से कैंडिडेट हूँ तो लाजमी मुझे हर गाँव में एक बार वोट मांगने जरूर जाना पड़ेगा। वो चौधरी भजन लाल जी भी किया करते थे। अभी मेरे कार्यक्रम पिछले 3 दिन थे, आगे 6 दिन के कार्यक्रम मैंने हरियाणा के भी दिए। और दूसरा प्रश्न आपका था आदमपुर के इलेक्शन का। आदमपुर का इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, और जब पिछले 50 सालों से यहाँ चुनाव होता है आदमपुर वर्सेस अदर्स, और हमेशा आदमपुर ही जीतता है, और इस बार भी आदमपुर वर्सेस अदर्स आदमपुर ही जीतेगा इस बार। अदर्स के हिसाब से, यानी कि आप सोनाली फोगाट का जिक्र कर रहे हैं, टिकटॉक पर बहुत फेमस है और कई दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। और 2 दिन पहले उनका एक बयान आया जहां वो ये कहती हैं कि जो भारत माता के नारे नहीं लगा सकता उनके ऊपर थू है, और ऐसे लोगों का वोट भी उन्हें नहीं चाहिए। उन लोगों को उन्होंने पाकिस्तानी तक कह दिया। इस बयान को कैसे देख रहे हैं, हालांकि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना और एरोगेंट बयान देना। हम सब हिंदुस्तानी हैं, और मेरे बालसमंद के लोगों को जहाँ उन्होंने बोला, उनको सोनाली फोगाट से कोई हिंदुस्तानी होने के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, वो दिल से हिंदुस्तानी है और रहेंगे। उनको इस प्रकार का थू बोलना और करना, ये फिल्मों में एक्टिंग में अच्छा लगता है, सही जीवन में सभी का सम्मान करना चाहिए, इस तरह घमंड नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं उनको, क्योंकि उनका कहना है कि वो आपको हराने जा रही हैं? 24 तारीख को सामने आ जाएगा जी। यहाँ चौधरी देवीलाल जी भी आए हैं, बंसीलाल जी भी आए हैं। कोई बहुत बड़ा नेता अगर यहाँ पे उतारते तो आदमपुर के लोगों को चुनाव लड़ने का थोड़ा मज़ा आता, लेकिन फिर भी हम इस चुनाव को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, और चुनाव बढ़िया ढंग से, मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छे मार्जिन से, ज़बरदस्त मार्जिन से आदमपुर हल्का जीतेगा। ये आपके का पारिवारिक गढ़ रहा है, आज तक आप यहाँ पर चुनाव हारे नहीं 68 के बाद से, लेकिन इसी साल लोकसभा चुनाव में आपके बेटे हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उनको आदमपुर से भी लीड नहीं मिल पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि एक खतरे की घंटी थी कि आदमपुर विधानसभा सीट से भी उनको लीड नहीं मिली? नहीं, खतरे की घंटी बिल्कुल भी नहीं थी। वो लोकसभा में एक मोदी की वेव थी, और मोदी की बहुत ज़बरदस्त वेव थी। उस वेव में पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता भी हारे। मेरे बेटे का तो पहला चुनाव था, राहुल जी भी हारे हैं, और भी बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं देश में। तो मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूँ। ये हल्का, ये इलाका, ये चौधरी भजन लाल जी का और हमारा पारिवारिक इलाका रहा है 50 साल से, और हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं यहाँ पर, और हम हमेशा एक यहाँ राजनेता के रूप में काम नहीं करते, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में काम करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि चुनाव में ये लोग अपना चुनाव समझ के लड़ रहे हैं, मेरा तो समझ के नहीं लड़ रहे। मैं तो उनके बीच में गप्पे मारने आए, आप देख रहे हैं अभी कैसे गप्पे हो रही है हमारी, मैंने एक बार भी नहीं बोला है किसी बात का। 2005 से लेकर 2019, 14 साल में आपके परिवार ने, आपके पिताजी ने कई राजनीतिक फैसले लिए। 2005 में वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, नाराजगी के बाद आप लोगों ने एक अलग पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, अकेले भी चुनाव लड़े, वापस से कांग्रेस में आ गए। इन 14 सालों में आप राजनीतिक सफर को, राजनीतिक उतार चढ़ाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपके फैसले सही साबित हुए या आपको किसी फैसले पर अफसोस है? नहीं, मेरे को अपने किसी फैसले पर अफसोस नहीं, लेकिन इन 14 उतार चढ़ाव से आदमी सीखता है। मैंने अप्स एंड डाउन में बहुत सीखा, और मेरे इतनी कम उम्र में मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतने मेरे को धोखे भी मिले, चाहे वो बीजेपी से मिला हो या मेरे 5 MLA खरीद लिए उनसे मिला हो, तो सीखा बहुत है इस संघर्ष में, और इस संघर्ष में मुझे प्यार भी बहुत मिला लोगों का। क्योंकि अगर मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी में रहता उस वक्त तो शायद मैं एक MP या एक विधायक या एक मुख्यमंत्री का दावेदार रहता, लेकिन हरियाणा की जनता से मेरा सीधा जुड़ाव नहीं हो पाता नेशनल पार्टी में रह के। जब अपनी पार्टी बनाई, मैंने हरियाणा के हर गाँव में 2.5 बार गया हूँ, ट्रैक्टर यात्रा, रथ यात्रा, बड़ी बड़ी रैलियाँ, कुलदीप चले चौपाल की ओर कार्यक्रम के माध्यम से, तो सीधा जुड़ा हुआ है। दुख सुख का पता लगा, एरिया की प्रॉब्लम्स का पता लगा, लोगों ने मुझे जाना। तो इन 15 सालों के अंदर जो संघर्ष का सफर रहा, ये मुझे आने वाले राजनीतिक जीवन में मुझे बहुत साथ, मेरे को सहयोगी रहेगा। बीजेपी के धोखे की आप बात करें, 2014 में आपने लोकसभा चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ा था, विधानसभा चुनाव आप अलग लड़े, क्या ऐसा धोखा आपको मिला जिसके बाद आपने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया? देखिए, हमारा गठबंधन था और वही मेरे पास आए थे गठबंधन करने की, भाई हमें एक चेहरा चाहिए, कि मजबूत चेहरा जो हर गांव में नोन है,
और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे और हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा, और मैंने मन से उनका 3 साल साथ दिया। और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने कहा जी कि सरकार तो हमारी बन जाएगी आपके बगैर भी, अब क्योंकि माहौल ऐसा बन गया और हम मुख्यमंत्री आपको नहीं बना सकते। मैंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है, लेकिन काम करना चाहता हूँ जो अधूरे अपने पिताजी के थे, या मेरी अपनी विजन है जो हरियाणा की वो इम्प्लीमेंट करना चाहता, तो वो धोखा सबसे बड़ा उन्होंने मुझे दिया। उससे बड़ा धोखा कहीं 2009 में कांग्रेस पार्टी की ओर से तो नहीं मिला, जब आपके पास सत्ता की चाबी थी लेकिन आपके कुल 6 विधायकों में से 5 कांग्रेस में शामिल हो गए। हाँ, वो उस वक्त करीब वो जो गैर जिम्मेदारान और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ था तो नाराजगी थी उस वक्त मेरी, लेकिन राहुल जी के साथ मेरे व्यक्तिगत दोस्ताना दोस्ती रही है। और अब जब कांग्रेस को मैं वापस मुझे मर्ज करना था पार्टी को, और हमने कभी भी कांग्रेस से उस तरीके से हम दूर नहीं हुए, क्योंकि हम कहते थे कि हरियाणा में चौधरी भजन लाल ही असली कांग्रेस है, इसलिए हरियाणा जनित कांग्रेस भजन लाल नाम रखा पार्टी का, जनित कांग्रेस BL। अब जब पिताजी नहीं रहे और कांग्रेस के हालात बहुत अच्छे उस वक्त नहीं थे, तो राहुल जी के पर पास से मेरे को संदेश आते रहे कि कुलदीप हमें आपकी ज़रूरत है, अब घर वापस आ जाइए। तो वो राहुल जी के प्रति मेरा लगाव, मेरा प्यार देकर, उनकी भावना देख के मैंने पार्टी मर्ज की, सबसे राय लेके। पार्टी ने अगर इतने असंवैधानिक काम किए तो 2007 में अलग होना और फिर 2016 में मर्ज हो जाना, क्या लगता है कि आपने अपनी ही विचारधारा को कहीं ना कहीं पीड़ दिखाई? क्योंकि आपका कहना है कि पार्टी ने असंवैधानिक काम किया, 5 विधायक आपके खरीद लिया, या आपका वर्ड है, लेकिन उसके बाद भी आप 2016 में जुड़ जाते हैं, तब भी सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, आज राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, वापस से सोनिया जी अध्यक्ष हैं। क्या आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री के कांग्रेस पार्टी में, उस बीच में आप खुद को एक मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर देख रहे हैं? हाँ, देखिए, वो जैसा आपने पहला कहा कि भाई ये असंवैधानिक काम पार्टी ने नहीं, एक व्यक्ति विशेष ने किया था, और राहुल जी भी इस बात के खिलाफ हैं हमेशा इस खरीद फरोख्त के, क्योंकि मैं उनकी नेचर को बहुत सालों से जानता हूँ, जब मैं कांग्रेस पहले भी था, और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर मेरिट पे मुख्यमंत्री की बात आएगी तो निस्संदेह कुलदीप बिश्नोई दौड़ में सबसे आगे हैं। कुलदीप बिश्नोई दौड़ में सबसे आगे हैं, ये दावा इस वक्त किया जा रहा है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में हरियाणा में कांग्रेस की कमान पार्टी ने झुक कर दी और उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से रेस में सबसे आगे बनाया। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम फिलहाल यही बता रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई खुद को भी फिलहाल मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बता रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, ABP News, हरियाणा।